कल पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अटैक हुआ जिसमें 5 आर्मी के जवानों को अपनी जिंदगी गवा जिंदगी जिन्होंने गवाई और उसी के चलते इस वक्त मौजूद है श्रीनगर बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जहां पे बीजेपी के जो वर्कर्स है और लीडर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका उस अटैक के हवाले से क्या कुछ कहना है। अटैक को कैसे देखिए? देखिए बुजदलाना हरकत है, कायराना हरकत है और ये दहशतगर्दी कर सकते हैं। कल पूरी दुनिया जहां ईद की तैयारी करते हैं और वो लोग जो खुद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हैं, उन कायर दहशतगर्दों ने, उन कायर आतंकवादियों ने कल नहते जवानों पे धुंध की आड़ में और बारिश की आड़ में हमला करके हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया है। मैं पाकिस्तान को यहां से ये मैसेज देना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान में रखिए, हमने 2 बार आपको घुस के मारा है, तीसरी बार ऐसे घुस के मारेंगे कि आपका नाम निशान तक नहीं रहेगा। और आप याद रखिए G20 समिट जो कश्मीर में होने जा रही है, किसी में दुनिया में ताकत नहीं है उस समिट को वो मुखर कर सके। G20 समिट होके रहेगी, आप टारगेट किलिंग पे उतर आए हैं, आप हमलों पे उतार गए, हम जानते हैं कैसे आपसे निपटना है। बारिश और लो विजिबिलिटी का फायदा उठाकर जो है ये अटैक हुआ। देखिए दहशतगर्द जो कायर लोग होते हैं हमेशा या तो अंधेरे का सहारा लेते हैं या धुंध का सहारा लेते हैं या किसी आड़ का सहारा लेते हैं, जो कल उन दहशतगर्दों ने फिर एक बार प्रूव कर दिया, एक वाजे कर दिया। लेकिन याद रखिए जंगलों में छुपे, पाताल में छुपे, जहां भी वो दहशतगर्द छुपेंगे चुन चुन के निकाल के उन दहशतगर्दों को मार डालेंगे और पाकिस्तान को एक ऐसा जवाब देंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत न करे कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को भेज दे। एनआईए की जो है इन्वेस्टिगेशन, देखिए एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आ जाएंगे उनके तथ्य, उनकी कहां से हुआ किस तरह से वो सामने आएंगे। लेकिन मैं एक मैसेज आपको यहां से आपके जरिए देना चाहता हूं, पाकिस्तान आपके देश में 350 रुपए चावल जो किलो बिकता है, आप अपने लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में सामान बेचते हैं, जम्मू कश्मीर में आप आतंकवादी कार्रवाई कर रहे हैं। आप याद रखिए आप नाकाम कंट्री है, आपके लोग वहां नाराज है, इसलिए आप ये कार्रवाई कर रही हैं। आपको बिगाड़ने की कोशिश की आप जिस तरह से आप यहां G20 समिट हो या जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आज अमन है, उस अमन और उस G20 समिट को डिस्टर्ब करने की कोशिश, आप में वो दम नहीं है, आप फेल कंट्री है, आपको सपा हिस्से से मिटाना ये हमारी काम है और करके रहे। शुक्रिया।